नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काल आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें आज हम नए कवि नरेश मेहता जी को लेकर के आए हैं। नरेश मेहता जी की कविता है सूर्योदय एक संभावना। प्यारे विद्यार्थियों, कविता का नाम है सूर्योदय एक संभावना। ये नरेश मेहता जी कविता है जो जहाँ जहाँ क्षितिज है उस काव्य संग्रह से है। इनके जहाँ जहाँ क्षितिज है ये उनका काव्य संग्रह है, उससे ये ली गई है। ठीक है, ये कविता। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब इस कविता को हम पढ़ते हैं। कि कल तुम जहाँ खड़े थे वहाँ एक ऐसा सूर्योदय हुआ था जिसका कीर्तन करते अनंत पाखी। मधुमाधव उत्सव की गुलाल लग रहे थे आकाश का ये माधव प्रकाश के मधु छत्ते से मधुपर्क वितरित कर रहा था और पृथ्वी परिणया कुल मधुमती लग रही थी। प्यारे विद्यार्थी, इस पद में नरेश मेहता जी जो है प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश कवि नरेश मेहता जी की कविता सूर्योदय एक संभावना शीर्षक से लिए गई है या अवतरित है और यह कविता कवि के जहाँ जहाँ क्षितिज है काव्य संग्रह से संकलित है और इसमें कवि ने सूर्योदय की बेला का या फिर सूर्योदय को लक्ष्य करके यहाँ पर अपने भाव व्यक्त किए हैं। सूर्योदय की बेला या सूर्योदय का भाव व्यंजना है वो इसमें की गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे हम इसके अर्थ को देखते हैं। कुछ एक शब्दार्थ अगर कठिन है तो उसको देख लेते हैं। पाखी का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों पक्षी, अनंत माने अनेकों अनेक, ठीक है। मधु माधव का अर्थ होता है बसंत ऋतु, बसंत का जो उत्सव है, बसंत का जो प्रिय है, माधव माने प्रिय, बसंत रूपी प्रिय मधु माधव वो उत्सव यानी फागोत्सव, फाग का उत्सव होली के अवसर पर होते हैं और ये माधव है जो बसंत रूपी जो प्रिय है प्रकाश के मधु छत्ते का मतलब शहद के छत्ते के रूप में और मधुपर्क यानी शहद या पराग मधुपर्क वितरित मैंने बांट रहा है, बांटना पृथ्वी परिणयाकुल और पृथ्वी परिणयाकुल मैंने विवाह करने को उत्सुक मधुमती लग रही है। मधुमती यौवनामद जो नायिका है, यौवना मध्य नायिका के समान लग रही है, ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ हम देखते हैं। शब्दार्थ हो गए। कवि नरेश मेहता जी यहाँ पर सूर्योदय के जो सूर्योदय को लक्ष्य करके सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, उदयाचल से धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा है, पेड़ पौधों में धीरे धीरे अरुण रंग की इनकी सूर्य की किरणें पड़ रही है और अनंत उनमें जो पक्षी है वो उन पंखों पर उनकी लाल लाल किरणों की जो है किरणें उनके ऊपर पड़ रही है। तो किस प्रकार से यहाँ पर उसकी अभिव्यक्ति या उपमा है वो दी गई है, रूप बिंबित की गई है। देखिए कि कल तुम जहाँ खड़े थे, नरेश मेहता जी कहते हैं कि कल तुम जहाँ खड़े थे वहाँ पर एक ऐसा सूर्योदय हुआ, वहाँ एक ऐसा सूर्योदय हुआ जहाँ तब कल तुम खड़े हुए थे वहाँ पर इस प्रकार का एक सूर्योदय हुआ जिसका स्तुति गान, जिसका कीर्तन करना यानी स्तुति गान करना कीर्तन गाना, तो भजन कीर्तन साथ में शब्द काम में लेते हैं, स्तुति जो गान है वो करना स्तुति गान, तो जिसका स्तुति गान कौन कर रहे हैं? कल जब तुम खड़े थे जहाँ पर वहाँ ऐसा सूर्योदय हुआ और उस सूर्योदय के पावन अवसर पर जो है अनेक पक्षी है जिसका जो स्तुति गान है कीर्तन है वो अनेक पक्षी है वो कर रहे थे, अनंत पाखी, अनेक जो पक्षी है
उस सूर्योदय का क्या कर रहे थे, अनेक पक्षी जो है गान कर रहे थे। प्रातःकाल का जो समय है उसको चित्रित किया गया है, और उस समय अनेक पक्षी है वो सूर्य की रश्मियों से, अरुण रंग की रश्मियों से को जब देखते हैं तो उसके ऐसा लगता है, वो जब कलरव करते तो ऐसा लगता है कि वह उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, सूर्योदय के अवसर पर स्तुति गान व कीर्तन अनेक पक्षी अपने अपने मधुर कलरव से कर रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, और उनके पक्षियों की चहचहाट क्या लग रही है, ऐसा लगता है जैसे सूर्योदय की या सूर्य देवता की वो स्तुति या गान कर रहे हैं। अनंत पाकी वो अनेक पक्षी मधु माधव उत्सव की गुलाल लग रहे थे, ऐसा लग रहा है। देखो कवि की कल्पना देखिए, प्राकृतिक स्वरूप को चित्रित करते हुए कवि नरेश मेहता जी कहते हैं कि वे जो सभी पक्षी हैं वे प्रातःकालीन जो अरुणिम रंग की जो आभा है, उच्च किरण है, लाल लाल सूर्योदय उदय हो रहा है और लाल रंग की जो किरणें पड़ रही है वो ऐसा लगता है, उस लाल रंग की किरणों को देखकर कवि ने क्या कल्पना की है कि मधु माधव उत्सव की गुलाल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि बसंत रूपी प्रिय की फागो उत्सव द्वारा खेली गई जो गुलाल है, गुलाल की भांति वो लाल लाल रंग की किरणें लग रही है। ठीक है, तो बसंत ऋतु के अरुणिम बेला है वो इस प्रकार से लगे जैसे बसंत ऋतु के फाग के उत्सव में गुलाल चारों ओर फैली हुई है। आकाश का ये माधव, कहने का तात्पर्य कि उसमें उस समय रंग बिरंगे पक्षी अनंत आकाश में उड़ रहे हैं, और उन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर जब सूर्य की लाल लाल किरणें पड़ रही है तो उनके पंख वो चमकीले हो जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाल आकाश में उड़ रही हो, इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुए हैं। तो ठीक है, सूर्य की किरणाभा से उनके पंख वो चमक जाते हैं। आकाश का यह माधव प्रकाश के मधु छत्ते से, तो यहाँ पर गुलाल किसको व्यक्त किया है, पक्षियों के पंखों को जो चमक है उसको गुलाल की तरह कहा है। और आकाश का यह मधु माधव प्रकाश के मधु छत्ते से मधु पर्क वितरित कर रहा था, और आकाश में उषा काल का जो समय है, प्रातःकाल का समय है, और उस समय अरुण बिंब सूर्य मानो प्रकाश रूपी शहद के छत्ते के समान लग रहा था। प्रकाश सूर्य है, सूर्य है वो प्रकाश रूपी शहद के छत्ते के समान लग रहा था। सूर्य की जो किरणें हैं या सूर्य है वो शब्द रूपी, क्षमा करना, शहद के छत्ते के समान, उसकी प्रकाश रूपी शहद के छत्ते के समान लग रहा था। देखिए कि आकाश में उषा काल का अरुण बिंब सूर्य मानो उस समय प्रकाश रूपी शहद, प्रकाश रूपी शहद के छत्ते से निर्मित अपने पदार्थ या पराग आदि को धरती को क्या कर रहा था, मधुपर्क वितरित कर रहा था। मधुपर्क मतलब शहद या पराग, मधुपर्क जो जिसको हम कई बार पूजा पाठ में पंचामृत का जब मनाते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर प्रकाश रूपी जो शहद का छत्ता है वो सूर्य प्रकाश रूप में जो है पराग को, शहद को वितरित कर रहा है पूरी धरती को। ठीक है, बहुत सुंदर उपमा दी है। और पृथ्वी ऐसी लग रही है जैसे कोई और पृथ्वी परिणाकुल मधुमती लग रही है, और धरती कैसे लग रही है उस समय एक नायिका की तरह, वो भी कैसी जो यौवन से उन्मत्त है और जो परिणी को आकुल है, और ऐसी धरती है वहाँ पर लग रही है उस समय कि धरती रूपी जो नायिका है वो विवाह के लिए उत्सुक यौवन यौवनामत मधुमती के समान लग रही है, वैसी नव यौवना लग रही है जैसा उसके जैसे वह विवाह के लिए उत्सुक, मानव विवाह के लिए परिणी के लिए उत्सुक हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुए हैं, पृथ्वी को जो एक नायिका के रूप में, एक स्त्री के रूप में बताया है। पृथ्वी ऐसी लग रही है जैसे विवाह के लिए कोई उत्सुक मधुमती है या यौवनामत जो नायिका है उसके समान लग रही है। कहने का तात्पर्य यही है कि प्रातःकाल के समय प्यारे विद्यार्थी अरुण रंग की जो आभा या अरुण रंग की जो प्रकाश है वह धरती पर 16 श्रृंगार से सुसज्जित हो रहा है। 16 श्रृंगार से सुसज्जित ऐसी नव यौवना लग रही है धरती, ऐसा लाल रंग की वो जो चुंदड़ी है वो ओढ़ रही है, जो विवाह के अवसर पर जो वधु है वो जैसे विवाह का जोड़ा जो पहनती है उसी प्रकार से वो लाल रंग की अरुण आभा धरती रूपी नायिका के शरीर पर शोभित हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे नायिका है वो विवाह के लिए उत्सुक हो रही है, वह धरती रूपी नायिका विवाह के लिए उत्सुक हो रही है, वह 16 श्रृंगार से सुसज्जित है और इस प्रकार से वह परिणय के लिए उत्सुक बैठी है।
देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से यह इसका अर्थ हो गया। विशेष वाले पॉइंट में लिखना है, सूर्य के अरुण बिंब को मधु छाता और उससे निकलने वाली किरणों को मधुपर्क बताया है। यानी अरुण बिंब को तो क्या बताया है, मधु छाता यानी शहद का छाता, और उससे निकलने वाली जो रश्मियां हैं, किरण हैं, वो मधुपर्क है यानी शहद की। यानी सूर्य तो क्या हो गया, छत्ता, और उससे निकलने वाली जो किरणें हैं लाल रंग की, वो क्या है, शहद, मधुपर्क के समान। तो शहद मिश्रित वस्तु भी ऐसा माना जाता है कि कोई अतिथि हो तो उसको उपहार के रूप में भी दिया जाता है। जैसे या कोई अतिथि हो या फिर कन्या पक्ष से कोई, अगर उसका कोई पिता जो है, पिता के घर पर उसका जो दामाद है, जब वो आता है, या दूल्हे को अर्पित किया जाता है, ठीक है, तो वो भी शहद को मधुपर्क दिया जाता है। या पूजा में भी जो है घृत या मिश्री या इस प्रकार से शहद या पंचामृत जो बोलते हैं, दूध दही मिला करके, घी इत्यादि मिला करके जो पंचामृत तैयार किया जाता है, उसको भी मधुपर्क कहा जाता है। यमक उत्प्रेक्षा रूपक और मानविकरण अलंकार का प्रयोग हुआ, यमक रूपक रूपक उत्प्रेक्षा यमक रूपक उत्प्रेक्षा और मानवीकरण ठीक है ये। यमक रूपक उत्प्रेक्षा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा करते हैं, समझ में आ गया वो पद। अगला पद देखिए, अगला दूसरा पद है ये कि सूर्य को भी देवताओं की भांति आकाश ही प्रिय है, शायद प्रत्येक तेजस्विता आकाश होती है और सौम्यता पृथ्वी, इसीलिए तुम गायत्री भूषा में प्रति सूर्य बन करके पृथ्वी पर धूप चलने लगे, हिम शिखरों से नदियों दुहते हुए मैदान में खड़े तुम पता नहीं अरण्य से क्या बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है नरेश मेहता जी ने कि यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य को भी देवताओं की भांति आकाश ही प्रिय। आकाश प्रिय का मतलब आकाश पर विचरण करने वाला, आकाशचर या आकाश में विचरण करने वाला, करने वाला, ठीक है। तेजस्विता मैंने चमक या तेज, सौम्यता मैंने कोमलता, और गायत्री भूषा का मतलब होता है गायत्री छंद। गायत्री छंद में जो गुरु मंत्र इत्यादि होते हैं उनको बोलना, गुरु मंत्र को बोलना या स्वर कर वाचन करना। और प्रति सूर्य का मतलब ऐसे नकली सूर्य होता है या सूर्य की छाया, ठीक है। दूसरा, सूर्य बन करके पृथ्वी पर धूप चलने लगे, हिमशिखरों यानी हिमालय, हिमशिखर माने हिमालय, हिमालय के शिखरों पर, चोटियों पर नदियों को धोते हुए मैदान में खड़े तुम पता नहीं अरण्य, अरण्य माने वन, वन से क्या क्या बातें कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्राकृतिक परिवेश का चित्रण किया गया है इसमें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में नरेश मेहता जी ने प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश कवि नरेश मेहता जी द्वारा रचित सूर्योदय एक संभावना शीर्षक गीत से लिया गया है, कविता से उद्गृत है, और इसमें कवि ने सूर्योदय को लेकर के अपनी कल्पना के दृश्यों को संभावना व्यक्त की है। सूर्योदय के समय क्या क्या बिंब या कल्पनाएं जो कवि करता है, तो उन कल्पना के दृश्यों या बिंबों की संभावना व्यक्त की है। कवि कहते हैं कि सूर्योदय को लक्ष्य करते हुए कहते हैं कि देवताओं को जैसे आकाश प्रिय है, सूर्य को भी आकाश प्रिय है। जैसे देवताओं को आकाश प्रिय है, देवता आकाश मार्ग से ही विचरण करते हैं, ठीक है, आकाशचारी होते हैं, उसी प्रकार से सूर्य को भी आकाश ही प्रिय है, इसीलिए वो सूर्य आकाश में ही विचरण करते हैं। उसी प्रकार सूर्य भी क्या करते हैं, आकाश विचरण करते हैं। जैसे देवता आकाश में ही विचरण करते हैं, उनको आकाश प्रिय होता है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य को भी आकाश प्रिय है और वे भी सदैव आकाश में ही विचरण करते हैं, चमकते हैं। शायद प्रत्येक तेजस्विता आकाश होती है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है, कवि ने कहा है कि आकाश से ही प्रत्येक तेजस्विता का उदय होता है, कि आकाश से तेजमय, आकाश तेजोमय है, तेजस्विता प्रकाश उज्ज्वलता है जो आकाश से ही होती है। इसी प्रकार से पृथ्वी में सदा कोमलता होती है, पृथ्वी से सदा क्या है, सौम्यता व्यक्त होती है। आकाश से ओजस्विता तो पृथ्वी से सौम्यता व्यक्त होती है, यह भाव यहां पर व्यक्त हुआ है। क्योंकि समस्त सूर्य आकाश से चमकता है, तो इसका मतलब यहां पर कवि कहना चाहते हैं कि आकाश से शायद उज्ज्वलता ओजस्विता व्यक्त होती है, तो पृथ्वी से सौम्यता व्यक्त होती है। और देखिए आगे, इसीलिए तुम गायत्री भूषा में प्रति सूर्य बनकर,
इसे कहने का तात्पर्य है कि आकाश वो तेज प्रकाश का स्थान है। आकाश क्या है? तेज प्रकाश का स्थान है और धरती सुंदर उदार गुणों वाली है। धरती क्या है? उदार हृदय वाली है, उदार गुणों वाली है। तो आकाश तेज प्रकाशमय है तो धरती उदार गुणों से युक्त है। अगली पंक्ति देखिए, इसीलिए तुम गायत्री भूषा में प्रति सूर्य बनकर पृथ्वी पर धूप चलने लगे। गायत्री छंद में जो गुरु मंत्र से सुसज्जित जो वाचन किया जाता है वो होता है गायत्री भूषा। उसी प्रकार से सूर्य की किरणें गायत्री मंत्र को जो है अलंकृत करके तेजस्विता से प्रति सूर्य बनकर पृथ्वी पर धूप के रूप में चमकती है। यानी गायत्री मंत्र में जब सूर्य मंत्रों का जब आह्वान किया जाता है, सूर्य मंत्रों का वाचन किया जाता है, पढ़े जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि तुम वो सूर्य जो आकाश में चमकता है और एक सूर्य जो गायत्री मंत्रों के द्वारा जो है बन करके पृथ्वी पर सूर्य की धूप में चमकने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सूर्य की किरणें गायत्री मंत्रों में अलंकृत होकर के तेजस्विता के प्रति सूर्य बनकर, नकली सूर्य बनकर, दूसरे सूर्य बनकर के पृथ्वी पर धूप के रूप में चमकने लगती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखिए कि पृथ्वी पर चलने लगते हैं। इस प्रकार से धूप है वो पृथ्वी पर चलने लगती है, चमकने लगती है। ठीक है, सूर्य जो है हिम शिखरों से नदियां दूते हुए मैदान में खड़े तुम पता नहीं अरण्य से क्या क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ पर मानवीकरण हुआ है कि हिम शिखरों से, हे सूर्य तुम हिमालय के शिखरों से, हिमालय की चोटियों से नदियों का दोहन करके, नदियां दूते हुए, नदियों का दोहन करते हुए अपनी प्रकाश किरणों को नदियों तक, हिमालय की चोटियों पर, नदियों पर प्रकाशित करते हुए तुम नदियों का दोहन करते हुए मैदान में खड़े हो गए हो, अर्थात मैदान तक तुम्हारा प्रकाश फैल गया है, व्याप्त हो गया है। और फिर न जाने तुम वन क्षेत्र से क्या क्या बातें करते हो, वन में क्या क्या बातें कर रहे हो। तो इस प्रकार से मानवीकरण हुआ है। प्रकृति की चीज़ें मानव की जड़ पदार्थ जब चेतन पदार्थ जब मानव की तरह कार्य करते दिखाई दे तो यहाँ पर मानवीकरण हुआ है प्यारे विद्यार्थी। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना कि जहाँ पर पंचभौतिक तत्वों में आकाश तत्व को गणना की जाती है, आप जानते हैं, तो यहाँ भी आकाश तत्व की बात यहाँ पर की गई है। और जो सारे ही विश्व में व्याप्त है, आकाश है वो पूरे विश्व में व्याप्त है। पंचमहाभूतों में जल, अग्नि, वायु, आकाश जो है तत्व होते हैं, पाँच जो तत्व हैं, तो उनमें आकाश की गणना भी होती है और आकाश सारे विश्व में, सारी सृष्टि में व्याप्त है। दूसरे रूप में आप लिख सकते हैं कि सुबह शाम जब संध्या के समय जो है सूर्य की प्रार्थना करते हैं, वो तो प्राय है गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो हम सब बोलते हैं लोग ऋग्वेद से जो मंत्र है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भृगु देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से सुबह शाम संध्या के समय जो लोग हैं, पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो गायत्री साधना करते हैं, गायत्री मंत्र इत्यादि जपते हैं, तो उसमें सूर्य की आराधना भी की जाती है। यमक परिकर और रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। यमक रूपक और मानवीकरण अलंकार, यमक रूपक और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा तत्सम शब्द शब्दावली से युक्त है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था नरेश मेहता जी की कविता सूर्योदय एक संभावना के पदों की व्याख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे नरेश मेहता जी के आगे पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के नरेश मेहता जी के ये जो कविता है सूर्योदय एक संभावना, इसकी दो इन पदों की व्याख्या को आप ठीक से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और इनको याद करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।